श्री महाकाल, राधे राधे, जय महाकाली। मैं आपका अपना इष्ट आचार्य राजा उपाध्याय लाया हूँ आपके लिए खास वीडियो। तो दर्शकों, आपका प्रश्न था कि धरती के ऊपर से ग्रह दिखते क्यों नहीं हैं। तो मैं आज आपको संपूर्ण विस्तार से यह बताने जा रहा हूँ कि कुंडली के अंदर जो मान्यता है उतने 9 ग्रहों की है, जिसके अंदर 9 ग्रह के अंतर्गत सूर्य सबसे प्रधान और पिता ग्रह माना गया, यानी सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। सूर्य से ही सभी ग्रहों को पावर दी जाती है, ये सब आप जानते हैं। उसके साथ साथ सूर्य अगर कुंडली का पिता है तो चंद्र कुंडली की माता मानी गई। अगर सूर्य और चंद्र जितने लोगों की कुंडली के अंतर्गत अच्छे होते हैं, उतना ही फायदेमंद अपने जीवन में देते हैं। तो फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके प्रश्न का उत्तर। धरती के ऊपर से, पृथ्वी से हमें 2 ग्रह जो है वो तो साफ स्पष्ट रूप में दिखते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा। उसी अनुसार बाकी सब चमकीले ग्रह इधर पृथ्वी से कई मीलों, लाखों करोड़ों मीलों दूर रहते हैं। इसके कारण वह छोटे हो जाते हैं। हम अपने पास की चीजों को अच्छी तरीके से बड़े आकृति में देख सकते हैं, लेकिन अपनी दूर की चीज कितनी छोटी दिखती है, उसी तरह ग्रह भी लाखों मीलों दूर रहते हैं। इस कारण से वह ग्रह छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें हम तारे के रूप में देखते हैं। जो चमकीले ग्रह है, ये सब जो ज्यादा प्रकाशमय ग्रह है, वह सब तारे के रूप में हमें दिखाई देते हैं। अक्सर लोग आकाशगंगा और ऊपर की तरह आसमान की तरह देखकर जानते हैं कि कोई कोई ग्रह जो होते हैं वह क्या चलित रहते हैं, धीरे 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 आगे खसकते रहते हैं। तो वही है आपके ग्रह। आप एक बार ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जो भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको संपूर्ण उत्तर और विस्तार के रूप से और साइंस और ग्रहों के जोड़ को मिलाकर आपको बताऊंगा। आपके जीवन में कोई समस्या आ रही हो तो आप मेरा अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं और कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जय श्री महाकाल।